फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पुराने ख़राब एलईडी बल्ब के अंदर आपको एक जो ब्लूटूथ स्पीकर होता है वो बना के दिखाऊंगा। तो अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसे बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके से आप घर पे किसी भी ख़राब एलईडी बल्ब के अंदर आप इसे बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला फ्रेंड्स, आपको एक एलईडी बल्ब लेना है। आप इसमें ख़राब एलईडी बल्ब यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट से इसका एक पीस ले सकते हैं, आपको 7 रुपये का पर पीस मिलेगा। अब इसका फ्रेंड्स, आपको एक कलर वाली एलईडी लेनी है। एलईडी आप किसी भी कलर की यूज़ कर सकते हैं। ये आपको एक पीस आपको 7 से 8 रुपये का मिल जाएगा और यहाँ पर 220 वोल्ट AC करंट से चलता है। तो आपको इसमें ये वाला पीस यूज़ करना है। इसका फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसके साइज का एक स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ जो इसके ऊपर वाले कैप में यहाँ पर फिट हो सके। तो इस तरीके का आपको एक स्पीकर लेना है। ये भी आपको 30 से 40 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। तो पहले फ्रेंड्स, आपको एलईडी बल्ब के ऊपर वाले कैप को आपको 150 नंबर की जो यहाँ पर सैंड पेपर होता है उस पर आपको घिस लेना है। इस हिसाब से अगर आप इसे घिसेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज का यहाँ पे इसे में जो स्पीकर वो यहाँ पे फिट आ जाएगा और ये एक्स्ट्रा भी नहीं कटेगा। तो आपको इस तरीके से इसे घिस लेना है। देख पा रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल फिट आ रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक खराब मोबाइल का चार्जर ले लेना है। चार्जर का जो पीसी बोर्ड है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो टूटा चार्जर होता है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं, पुराना चार्जर। तो यहाँ पर मैं एक चार्जर यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्लूटूथ पैनल और एक एम्पलीफायर किट होती है ये यूज़ कर रहा हूँ। ये 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो इसका कनेक्शन बहुत ईजी है, आपको सीधे सीधे वायर यहाँ पे शॉर्ट कर देने हैं। इसका मार्किंग भी यहाँ पे की हुई है। तो इस तरीके से आपको इसका कनेक्शन कर लेना है। आप इसमें 2 स्पीकर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पूरा कनेक्शन कम्प्लीट कर लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर होल्डर की जो AC लाइट के वायर मैंने चार्जर के AC वाले पॉइंट पर दे दिए हैं, उन्हीं दोनों पॉइंट से मैंने यहाँ पर LED को भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ये LED भी 220 वोल्ट AC करंट से चलती है। और चार्जर का जो आउटपुट पॉइंट निकलता है वहाँ से मैंने प्लस माइनस को लेके जो हमारी एम्पलीफायर किट है उसके प्लस माइनस में मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिए। रेड वायर प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है। देख पा रहा हूँ यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा है। और स्पीकर के दोनों पॉइंट में मैंने यहाँ पे स्पीकर को भी शॉर्ट कर दिया है। तो चलिए इस पूरे सर्किट को मैं पैक कर लेता हूँ। तो आपको अच्छे तरीके से टैपिंग कर देनी है, आपको कोई वायर यहाँ पर खुला नहीं छोड़ देना है वरना इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर डबल टैप की मदद से यहाँ पर PC बोर्ड को अंदर की साइड में फिट कर दिया है। इसका फ्रेंड्स, आपको LED को बिल्कुल सेंटर में फिट कर देना है। आप इसमें डबल टैप का भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो यहाँ पर इसका जो कैप है वो आपको फिट कर देना है। इस कैप को आपको इंस्टा ग्लू से नहीं चिपकाना क्योंकि बाद में आपको खोलना पड़ सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पर स्पीकर के दोनों वायर सोल्ड करके इसे फिट कर लेता हूँ। तो देख पाऊँगा यहाँ पर मैंने स्पीकर के दोनों पॉइंट पर सोल्ड कर दिया है। और इस तरीके से आप इसे फिट कर सकते हैं। स्पीकर को फ्रेंड्स, आपको इंस्टा ग्लू से चिपका देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इंस्टा ग्लू से इसे चिपका लेता हूँ और बाद में आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक बन के कम्प्लीट हो चुका है और स्पीकर हमारे यहाँ पर अच्छे तरीके सेट हो चुका है। तो चलिए अब इसे चेक करके देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, इस LED बल्ब के अंदर आपको कोई भी स्विच नहीं लगाना है। सिंपल तरीके से आप इसे 220 वोल्ट AC करंट में यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली इसे होल्डर में लगा देना है, ये ऑपरेट हो जाएगा। तो देख पाऊँगा यहाँ पे मैं पहले आपको एक पुराना बल्ब चला के दिखा देता हूँ। चलिए अब इसे चेक करके देखते हैं। तो आपको इसे सावधानी से यूज करना है क्योंकि 220 वोल्ट AC करंट से चलता है। तो देख पाऊँगा यहाँ पे ऑपरेट हो चुका है। चलिए मैं अपने मोबाइल से इसे कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको फाइनली चेक करके दिखा देता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। तो देख पाऊँगा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। चलिए अब इसमें सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें कैमरे की वजह से इसकी लाइट जो यहाँ पे कुछ अलग तरीके की दिखाई दे रही होगी, लेकिन रियल में अगर आप इसे बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा और आप इसे पुराने खराब LED बल्ब के अंदर आराम से बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके।